हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बस रहे सुबह के 11:30। तो अभी मैं घर से निकल चुका हूँ क्योंकि मुझे अभी आज एक दोस्त को आधे रास्ते तक छोड़ने जाना है, वो भी दोस्त के ही स्कूटी पे। तो अभी दोस्त ये रहा, यहाँ देख चलो। इसका कल से कॉलेज स्टार्ट होगा, इसलिए इसको अभी अचानक जाने पड़ रहे हैं। तो अभी इसीलिए मैं अभी इसको आधा रास्ता तक छोड़ने जा रहा हूँ। तो अभी हमने स्कूटी आगे पर रखा हुआ है, तो फिलहाल जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फिलहाल जल्दी जल्दी जाके 2 बजे तक फिर मुझे इधर गांव पहुंचना है, क्योंकि जो स्कूटी का मालिक है, उसका जो दोस्त है ना, उसको सिखाना है। इसलिए मुझे जल्दी इसको आधे रास्ते तक छोड़ के फिर लौट के आके उसको 2 बजे तक स्कूटी दे देना है। तो कम हम दिवाली के ऐसा ही रात का पार्टी पूजा करने के लिए गया था। तो तुम्हें कैसा लगा? एकदम बढ़िया। बढ़िया बढ़िया अच्छा, कल बहुत मज़ा आया। तो जो हमने कल जो पैसा मिला था, हमने जब सब हम पाँच लोग थे, तो वो हम पैसे रखा हुआ है। तो आने वाले टूर के लिए किसी दिन तो हमको चाहिए होता है वो पैसा। तो हमने एक जगह सोचा है जो हम घूमने के लिए जाएंगे, इसलिए वो पैसा हमने एक जगह पे रखा हुआ है। अभी ये तो कॉलेज जा रहा है, लेकिन इसका फिक्स नहीं, बाद में आ भी सकता है, नहीं भी सकता है, क्योंकि मुझे तो लगता है लेकिन आना चाहिए, क्योंकि सबका पैसा है ना। वो अगर सबका पैसा है, सिर्फ हम ही गए तो तुम्हारा पैसा वापस जितना मेहनत का पैसा वापस, वो पैसा से ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। इसका एक चड्डी तो आएगा, नहीं तो बाद में इसका जब शादी हुआ ना, उस वक्त दे देंगे हम इसको। हम अभी पहुँचने वाले हैं, स्कूटी थोड़ी इधर हमने थोड़ी से आगे में ही पार्क किया है। तो अभी जल्दी चलते हैं, रास्ते वाला शॉट तो दिखाने नहीं मिलेगा क्योंकि चलाने वाला ही नहीं, तो ये तो वीडियो नहीं करेगा क्योंकि इसको बहुत कस के पकड़ना होता है ना, कस के। ये नहीं पड़ेगा तो ये ऐसा छत से पीछे उड़ जाएगा, देख सकते हैं इसका बॉडी भी। अभी इसने भी ऊपर येलो पहना है, मैंने भी येलो, और मैंने तो फाइनली हम आप पहुंच चुके हैं स्कूटी की जगह में। स्कूटी हमने यहाँ पार्क करी थी, तो अभी यहाँ से आधे रास्ते तक ये चलाएगा, उसके बाद मैं ही चलाऊँगा क्योंकि थोड़ा जल्दी भी जाना है। ये स्कूटी में भी हमने बहुत राइड किया, बहुत अच्छा लगा है मुझे बहुत। वो दूसरे मेरा पहला वाला स्कूटी था, उससे कहीं बेटर, पावर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, चलाने में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तभी आधा रास्ता तक ये भी चलाएगा, धीरे से निकालना। वो नीचे में एक सीट के नीचे वो हमने एक हेलमेट डाल दिया था, पहले निकालना स्कूटी निकालना। तो अभी हम थोड़ा जल्दी में जाएंगे क्योंकि अभी जल्दी जाके जल्दी लौट के वापस भी आना है। इसको आधे रास्ते तक ये ऊपर चला जाएगा अपने जगह को, और इधर यहाँ इधर मेरे पास। हाँ, कितना खूबसूरत जगह ना, तुम मैंने बता नहीं सकता। कल व्लॉग में देख लेना ये वीडियो, तुम बहुत क्यूट दिख रहे हो ये हेलमेट में। सिर्फ इतना ये गिराना मत था, बाकी तो सब चलेगा। चलो 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 भाई, रुक गए अभी थोड़ा मशीन रुका है, तो चले थोड़ा। तो ज़्यादा डरने की तो ज़रूरत नहीं क्योंकि ये भी अच्छे बहुत अच्छी तरह से चला लेता है। क्योंकि जब मेरा वाला पहला स्कूटी था, तभी इन्होंने भी उस स्कूटी में सीख गया था ना, तो अभी फ़िलहाल तो वो भी अच्छा ही चलाएगा। लेकिन उतना ज़्यादा वो मार्केट में ज़्यादा वो गाड़ियाँ वगैरह ऐसा जगह में नहीं निकाला है ना, इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं है। बाकी तो सब फिट है, अच्छा तरह चला लेता है। थोड़ा कॉन्फिडेंट तो मेरे ऊपर भी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत चला लेता हूँ। तो अभी हमारा दोस्त ने आधा रास्ता तक तो कवर कर लिया, के बाद मेरे को लेके जाना है कहाँ तक। फिलहाल ये दोस्त मस्त चला रहा है, आधा रास्ते से भी वही चला रहा है, लेकिन उसका जो बैग था वो मुझे दे दिया। ये बैग भारी है, बहुत भारी है। क्या लगा इसके अंदर, सब्जियाँ वगैरह है क्या? बहुत भारी है बैग। तो अभी फिलहाल ये स्टार्ट में चला रहा है, बहुत दिक्कत आ रहा है ना भाई साहब, वो पीछे का टायर बहुत स्किट हो रहा है। हे दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। पहले वाला स्कूटी ना ये, और हम ऐसा ही आगे पीछे गेम चल रहे हैं। ओए जीते, किस चीज़ का आवाज़ कर रहे हो सर? ये मालूम नहीं यार, चलाना अभी अभी सीख रहे हैं, इसीलिए उसको भी बहुत साइको, थोड़ा बहुत साइको है। पुर्जा का कुछ भी मालूम नहीं है। देखो अभी गांव में पूरा दिवाली का तैयारी चल रहा है पीछे में,
तो आप सभी लोगों को मेरे दोस्त और मेरे तरफ से आप सभी लोगों को क्या है, हैप्पी भाई दूत, हैप्पी भाई दूत आप सभी लोगों को। तो कल तो ऐसा भी दिवाली हमारा तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से आज भाई दूत है, तो ये व्लॉग कल आएगा। देखो रास्ता इतना गंदा है, इतना गंदा, इतना खराब। अभी देखो भाई साहब, थोड़ी देर पहले स्कूटी गिरने वाला था, लेकिन इन्होंने स्कूटी तो संभाल ली, और देखो इसका फ़ोन ही चला गया। रॉब रो था ना, इसका फ़ोन चला गया, देखो ये फ़ोन भी टूट गया, 10 लाख का था, था। आगे का भी चला गया, और तो इसका जो स्क्रीन LCD था ना वो भी चला गया, देखो। अरे यार अभी तो ऑनलाइन क्लास कैसा बैठेगा यार, ऑफलाइन नहीं, नहीं अभी तो ऑफलाइन क्लास लगेगा, लेकिन अभी तुम फोन क्या करोगे, तेरे से 12 उठेगा। इसका LCD भी चला गया, और पीछे और तो पीछे में भी ज़्यादा डैमेज आ गया भाई। आज तुझे स्कूटी चलाना बहुत महंगा पड़ गया। तो भी फिलहाल दोस्तों आधा रास्ता था, तो इन्होंने चला ले, कैसा रहा भाई, हाथ ही नहीं, कैसा रहा एक्सपीरियंस तेरा और तो कुछ नहीं, फ़ोन चला गया, देखो इसका फ़ोन टूट गया, और पीछे में भी देख सकते हो, पीछे में भी टूट गया, और आगे में भी ये सब चला गया। थोड़ी देर पहले स्कूटी गिरने वाला था, स्कूटी को तो संभाल ली इन्होंने, पर इसका फ़ोन चला गया, देखो अभी क्या कर रहे हैं। अभी मैं चलाने वाला हूँ, क्योंकि हमें थोड़ी जल्दी जाना है, तो अभी सीधा मिल से आपसे आधा रास्ते में जाके। तो अभी फिलहाल दोस्तों मैं तो पहुँच चुका हूँ बाजार, और तो मेरा दोस्त चला गया है, वो अभी उस गाड़ी में बैठा हुआ है। तो अभी मैं यहाँ से सीधा बस्ती के लिए रवाना हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे अभी जल्दी जाना है। तो पहले यहाँ थोड़ा सा फ्यूल डलवाएंगे, क्योंकि इसमें फ्यूल थोड़ा कम है, एक स्टिक है, नहीं है, दिखा दूंगा आपको, नहीं है। तो पहला फ्यूल डलवाएंगे, उसके बाद सीधा निकलेंगे बस्ती के लिए, क्योंकि अभी मुझे बहुत जल्दी जाना है ना, उतना टाइम नहीं है। तो अभी फ़िलहाल दोस्त भी जा चुके हैं अभी, तो अभी मुझे भी यहाँ से निकलना है। दोस्तों मैं थोड़ी सी इधर आगे में आया था, क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ बहुत थोड़ा बहुत काम था। तो अभी सीधा चलते हैं, मैंने स्कूटी अंदर रखा हुआ है, तो मुझे ऐसा अभी थोड़ा बहुत भूख भी लग रहा है, लेकिन खाने का भी टाइम नहीं है आज तो, ज़्यादातर मार्केट में होटल भी खुला नहीं है, क्योंकि सब दिवाली लग गए ना, इसलिए शायद हो सकता है मार्केट ज़्यादा खुला नहीं है। सुबह तो खाना ज़्यादा नहीं खाया था, थोड़ा थोड़ा खा के आया था, लेकिन अभी बहुत भूख लग रहा है ना, दिवाली की वजह से ज़्यादातर गाड़ी भी नहीं है, और तो ज़्यादा होटल भी खुला नहीं था, ये पहले खुला होता था, लेकिन अभी ये वाला होटल भी खुला नहीं है। तो अभी यहाँ से सीधा निकलते हैं आगे की तरफ। फिलहाल गाइस मैं तो पहुँच चुका हूँ आधा रास्ता तक, तो अभी मुझे बहुत भूख लगी, इसीलिए मैं भी इधर में एक ये वाला होटल थोड़ा खा लिया। तो अभी यहाँ से कुछ खरीद के लेके जाते हैं, तो नीचे जाके पुल में खाते हैं। तो चलिए पहले क्या है पूछ लेते हैं। तो अभी मुझे यहाँ से फाइनली 2 प्लेट मोमो मिल चुका है, तो अभी मैं इसको सीट के अंदर लगा लेता हूँ। अभी मैंने यहाँ से स्टिंग लिए, क्योंकि यहाँ ऐसे भी स्पाइक करे नहीं, इसलिए मैंने स्टिंग ले ली। तो अभी मैं दोस्तों पहुँच चुका हूँ पुल पे, तो मेरा अभी लंच इधर है। यहाँ का मौसम देख सकते हो आप, पीछे में बहुत खुला खुला आसमान, और इधर में भी वैसा ही है। तो नीचे देख सकते हो, नीचे बहुत बड़ा नदी है, तो मेरा जैकेट में भी देख सकते हो, शायद आप लोग नहीं देख रहे होंगे, इसमें बहुत धूल लगी है, क्योंकि अभी चलाते वक्त बहुत धूल लगी ना, देख सकते हो यहाँ गंदी मैल। तो अभी फ़िलहाल मौसम बहुत अच्छा है, ज़्यादा धूप भी नहीं है, ज़्यादा वैसा भी नहीं है, तो फिलहाल बहुत मौसम अच्छा है। तो मैंने देखा था कि इधर नीचे कुछ पूजा चल रहा है, आप लोगों को दिखा दूंगा। यहाँ देख सकते हो आप लोग, शायद से यहाँ कोई मरा हुआ होगा, उसके पूजा हो रही चल रही है इधर, पूजा से लामा लोग बैठा हुआ है। इधर साइड पे आके खा रहा हूँ, देख सकते हो मोमो, और इसमें अचार है, और थोड़ी सी इसमें स्ट्रिंग है। तो पहले खा ले देखा जा, क्योंकि बहुत भूख लगा ना मुझे ना, स्कूटी चलाते वक्त अकेले बैठ के चलाना मुझे बहुत बोर लगता है, मुझे मन ही नहीं करता स्कूटी चलाने का, मन ही नहीं करता, बहुत वाइब्रेट होता ना, और पीछे में एक कोई दोस्त बैठा हो तो बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि मेरा कोई दोस्त। जब मेरा भी पहला स्कूटी होता था ना, तब मैं घर से थोड़ा बाहर निकलता होता, तो मैं किसी दोस्त को तो लेके ही निकलता, क्योंकि पीछे इंसान बैठने से ज़्यादा वाइब्रेट नहीं होता ना, मेरा तो था, लेकिन उसको पहले ही बेच दिया। तो अभी प्रोग्राम से यही प्रार्थना और दुआ है कि मुझे भी ऐसा एक स्कूटर या तो मोटर या तो कोई कुछ भी चलेगा, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स कुछ भी चलेगा, अगर ऐसा ही आशीर्वाद मिल जाए तो लाइफ में
फिर भी ऐसा ही अपना भी एक हो, मैं तो यही चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद एक तो होगा और उसके बाद आप और हम मिल गए, अच्छा मोटर व्लॉगिंग बनाएंगे, अच्छा जो जगह घूमने चलेंगे। फिलहाल ये तो अपना है नहीं, इसलिए जल्दी लेके आने को बोल रहे हैं तभी मैं, इसलिए नहीं तो मैं क्या ये लंच होटल पे ही खा सकता था, लेकिन होटल में बहुत टाइम लगता ना। ये भी अभी थोड़ा सा ठंडा ही है क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी कर दो बोल के लाया ना। ये ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि लाइफ में ऐसा अपना भी एक हो, सबका सपना पूरा होता है, देखेंगे मेरा होता है या नहीं। ये मोमो को भी क्या हो गया, सबका सब फट गया, देखो अब इस किस हालत में खाने पड़ रहे हैं। काफ़ी याद आती है अपना स्कूटी का, पहले जब हमारा अपना स्कूटी होता था ना तो मैं यही जगह पे खड़े होकर बहुत अच्छा टाइम लेकर के लंच खाते हुए बैठता था इधर, लेकिन अब तो अपना नहीं है। भगवान से यही दुआ है कि कहीं हो सके तो लाइफ में ऐसा अपना भी एक हो, और मैं तो उसका ही कोशिश पे हूँ। तो उसके बाद ऐसा आ गया ना, एक बार आने को है, आप और हम मिलकर बहुत तबाही मचाएंगे, मोटो व्लॉगिंग करेंगे। टाइम भी 2 बज चुके हैं, अपना लंच तो हो गया, तो अब जाके थोड़ा एनर्जी मिला मुझे, तो अभी यहाँ से तेज भागते हैं गांव के लिए, सीधा गांव में जाके मिलेंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अपना गांव, यानी अपने घर तो अभी पहुँचा नहीं हूँ, थोड़ा देर है, तभी मैंने अभी स्कूटी लौटा दी, यदि उन लोगों स्कूटी प्रैक्टिस कर रहे इधर। अभी मैं भी यहाँ से सीधा घर की ओर जा रहा हूँ, मेरा गाड़ी में कुछ तय नहीं क्या, मेरा पावर बैंक यहीं रह गया सीट के अंदर। ओ भाभी जी, तो अभी फिलहाल यहाँ से सीधा घर चलते हैं। वो भी हमारा गांव में देख लीजिए, अभी किसी का धान कटा भी नहीं, किसी का तो सब काम अभी काम ख़त्म होने वाला है, धान सब कट करके सूखा के उसके बाद ऐसा बनाना है सबको, किसी का बना चुका है, किसी का अभी तक धान भी नहीं कटा है। तो अभी मैं घर आते आते ही अपना ड्यूटी पे लग चुका हूँ, जो जंगल में गाड़ी ढूंढने आना। फाइनल दोस्तों मैं घर आ पहुँच चुका हूँ, तो अभी हमारा मैं चाची जी घर भी हूँ अभी, तो अभी हमारा खाना खाने का समय है, रात का अभी 6:30 हो गया, तो अभी हमारा पहला खाना खा लेते हैं। तो अभी हमारा खाना रेडी हो चुका है, देख सकते हैं इस पर अचार है, इसमें खाना कितना बना हुआ है, देखिए वह खाना तो बहुत ही ताज़ा है, और तो आज भी थोड़ी सी मीठी है, और उसमें भी मीठी है, तो पहले मस्त वाला डिनर का ले लें, क्योंकि मुझे मैं सुबह खाना ज़्यादा नहीं खाया ना, इसलिए मुझे अभी ऐसा ही भूख लग रहा है। पर मेरी चाची जी खाना परोस रहे, पहले खाना खा लेते उसके बाद मिलेंगे। फाइनल दोस्तों खाना तो खा चुका हूँ, तो अभी और काका और भतीजे का बात ये हुआ कि किसी के घर पे आज भी देवसी खेलने जाना है, जो घर एक ही घर है, आज ज़्यादा घर घूमेंगे नहीं, सिर्फ एक ही घर है, तो आज वहाँ भी जाके ग्रैंड बनाएंगे। अभी अभी बनाइए प्लान, तो अभी चलेंगे, और हम आज शायद मेरे विचार से 4 लोग हो सकता है शायद, तो अभी चलेंगे, मैं काका और मेरा 2 दोस्त है, तो चलेंगे देखते हैं कैसा होगा। तो घर से निकल चुका है काफ़ी एक्साइटेड, दमदार वाला जोश लेके, तो अभी मैंने सोचा था कि हम 4 होंगे, तो अभी 1 भी जुड़ चुका है, तो टोटल हम 5 लोग हो चुके हैं, तो अभी जाके देखता है कैसा मज़ा आने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी ये रही हमारा आज रात का सबसे फर्स्ट वाला पटाखा होने वाला है, हम अभी अभी हमारे पास सिर्फ 4 ही है, इसलिए अभी हम जुगाड़ करते हुए सिर्फ अभी 1 फोड़ेंगे, उसके बाद अभी घर में जाके फोड़ेंगे दूसरा वाला पटेगा हैला जादू। तो अभी ये दोस्त फोड़ने वाला है, ज़रा धीरे से फोड़ना, तो भी हमारा पहला वाला सक्सेस अच्छा ही रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले पटाखा बहुत अच्छी तरह से सुखाया था, दमदार आवाज। तो भी ये रही हमारा दूसरा वाला पटाखा, ये दिखाएंगे आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। तो घर तो यही है पीछे वाला, बहुत बड़ा बिल्डिंग है बाबा, बिल्डिंग।
दोस्तों अभी हमारा ये घर वाला पूजा भी ख़त्म हो चुका है, तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि दूसरे घर में भी जाना है या नहीं। अगर होगा तो शायद जाएंगे, अगर नहीं होगा तो अभी वापस घर चला जाएंगे। खास तो ये खेलना तो देवसी खेलना तो कल था, लेकिन इस घर में कोई भी नया आया था ना, इसलिए हमें स्पेशल बुलाया गया था, इसलिए हम लोग आया, बहुत मज़ा किया। और मैं ही नहीं, सिर्फ मेरे साथ बहुत दोस्त भी है और सब लोग साथ में आए, तो अभी डिसाइड है क्या करना पड़ेगा, शायद तो देखेंगे अभी क्या होगा। तो फाइनल दोस्तों हम ज़्यादा और घर तो गए नहीं, तो अभी हम लौट के आधा रास्ता तक आ चुके, तो अभी हम ये पड़ोसी के घर में, तो अभी हम सीधा यहाँ से घर जाने वाला है। तो ज़्यादा घर तो घूमे नहीं हम, तो आप सभी लोगों को दिखा दूंगा कि एक ट्रिक देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, जो मैंने भी दोस्त के थ्रू से सीखा था। मैंने जो पहला वाला घर में दिया था हम लोगों को जो खाने के लिए, वो चीज़ आप लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ। अभी मैं आप सभी लोगों को एक ट्रिक दे देना चाहता हूँ, जो हम लोगों को पहला वाला घर में दक्षिणा मिला था, वो अभी मैं आप सभी लोगों को आगे खोल के दिखाना चाहता हूँ कैसा खोलना चाहिए। अभी वो खोल के मैं चाचा जी और भैया जी को देना चाहता हूँ। तो देखिए इसको इस तरह से पकड़ना है, और तो इसको यहाँ से ऐसा खोलना चाहिए। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी दिवाली, और ये भी सीखिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने में किसका बाबा क्या जाता है। तो फिलहाल दोस्तों इस समय का और लास्ट हमारा पार्टी, और तो लास्ट हमारा एक पटाखा है जो अभी फोड़ने का समय आ गया है। लास्ट तो एक अभी इसको फोड़ेंगे, और तो आज इस साल का दिवाली यहीं पे इस पटाखा के ऊपर ही ख़त्म करके रख देंगे, तभी इसको फोड़ेंगे। और जल्दी फोड़ना, इधर ले इधर ले। हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों अभी काफ़ी रात हो चुका है, अभी कल भी हम बहुत देर से सोए ना, तो मुझे अभी बहुत नींद भी लग रही है, तो अभी मुझे लगता है वीडियो क्लोज करने का समय आ गया है। तो अभी ब्लॉग कैसा बना, आई होप कि ठीक ठाक ही बना होगा। अगर ठीक ठाक बना हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले, और तो चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले। जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।